हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब सैफी। दोस्तों, आज मैं आपको गिरमाला बनाकर दिखाऊंगा, जिसे आप कुटका ही बोलते हैं। ये टूल्स अक्सर करके जो राजमिस्त्री होते हैं, जो मकान वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उनके काम आता है प्लास्टर वगैरह के लिए। मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने MDF पर यानी कि 3 mm के MDF पर नक्शा बना रखा है, जो कि मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। इस तरह से जो उसका साइज रहता है वो टेपर में रहता है। यहाँ पर हमने सामने की साइड से रख रखा है, फ्रंट साइड 6 इंची और बैक साइड 5 इंची। इस तरह से छोटे वाला जो साइज आता है उसके अगर लंबाई की बात करें 11 इंची, और जो सामने वाली साइड है 5 इंची, और जो बैक साइड हैगी वो 4 इंची। उसके बाद हमारा जो नंबर आता है तीसरे नंबर का, जहाँ पर धार कोर का काम होता है, उसके लिए जो हमने साइज रख रखा है लंबाई 8 इंची और फ्रंट साइड 5 इंची, बैक साइड 4 इंची। इसके बाद एक और छोटा साइज आता है, जो बहुत ही बारीकी से काम करते हैं राजमिस्त्री वगैरह, जो प्लास्टर का मकान चलेगा काम करते हैं, उसके लिए जो मैंने चौथा साइज बना रखा है ये 6 इंची और फ्रंट साइड 4 इंची और बैक साइड 3 इंची। यहाँ पर मैंने आपको 4 साइज के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी। सबसे पहले हम इन फर्मों की कटिंग करेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सभी फर्मों की कटिंग कर ली है। एक बार हम उनकी जो फर्मों की हमारा जो साइज है थोड़ा उनका लेवल सेट करेंगे जैक प्लानर से। दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कुछ वुड के टुकड़े हैं, यानी शीशम की लकड़ी के। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम निशान लगाएंगे। हमारे पास सिस्टम की एक यहाँ पर 19 mm का ये पीस है, यानी कि एक पुराना दिला है। इसमें हम यहाँ पर बड़े वाला साइज बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक टुकड़ा और है सिस्टम की लकड़ी का, यहाँ पर हम इसमें साइज बनाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये साइज बनेगा, और उसके बाद हम 8 इंच का साइज यहाँ पर बनाएंगे और 6 इंच का साइज हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर हमारे सभी गुटकों के निशान यानी कि गिरमाला के निशान लग गए हैं। अब हम कटर की सहायता इसका कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने चारों गिरमाला की कटिंग कर ली है। अब हमारा जो अगला प्रोसेस जाएगा, हम इस पर रंधा लगाएंगे, यानी कि पैनल लगाएंगे। यहाँ पर मैंने सभी पार्ट्स के यानी के इलेक्ट्रॉनिक प्लानर से साइज बना लिया है। अब हम क्या काम करेंगे, हम जैक प्लानर से लेकर इसकी थोड़ी फिनिशिंग करेंगे, और मैं उसमें आपको एक पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने गिरमाला की फिनिशिंग कर ली है। अब इसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम थोड़ा सा जो नीचे की साइड होगी उस साइड लंबे गस्से मारने में 5-6, यानी कि हमें लगभग दोनों साइड 1-1.75 इंची के आसपास हम इसकी जो साइड होगी वो थोड़ी डाउन करेंगे, जिससे कि जैसे आप प्लास्टर वगैरह दीवार पर चलाते हैं, अगर आप इसमें ढाल नहीं करेंगे तो इससे आपका जो प्लास्टर होगा फटेगा, और अगर इसमें आप ढाल बना देते हैं दो एम का दोनों साइड, तो इसमें जैसे आप घुमाते हैं तो इसमें आपका प्लास्टर नहीं फटेगा और उसकी बहुत ही बढ़िया भरपाई होगी। तो हम थोड़ा सा इसमें ढाल बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने
दो दो एम दोनों साइड दाब दिए। इसमें अगर आप इस तरह से अपना सीधा फिटा रखेंगे, ये लेवल आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर इसमें भी आपका डाले फिर से ये काम नहीं करेगा। सिर्फ जो इसके नीचे की सतह है ये वाली डाउन होनी चाहिए और ये वाली डाउन होनी चाहिए, ये वाली डाउन नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आप अगर इस तरह से फिटा लगाएंगे तो ये बिल्कुल लेवल होना चाहिए, जो मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँगा। इसी अनुसार हम चारों गुटकों के यानी चार गेरुमाला के साइज बनाएंगे, एक दो दो एम दाब दाब कर। अब हमारी बारी ऊपर के हैंडल लगाने की आती है। हम यहाँ पर इस वुड में से हैंडल तैयार करेंगे। हैंडल का हम जो साइज रखेंगे यानी क्या लंबाई का और मोटाई का और चौड़ाई का, हम जो साइज रखेंगे यानी कि लंबाई रखेंगे लगभग 4 इंची और जो मोटाई रखेंगे वो रखेंगे 1 इंची और जो ऊंचाई का जो साइज रखेंगे वो लगभग हम 1.5 इंच का साइज रखेंगे। हमने हैंडल का साइज तैयार कर लिया है यानी कि हमने अपनी फ्रेम का। इसके साथ साथ जो हम यहाँ पर हैंडल लगाएं ऊपर की साइड में, ऊपर की साइड से हम इसमें यहाँ पर 4 इंच का साइज रखेंगे और इसको हम टेपरदार बनाएंगे यानी कि जिससे कि पकड़ने में घुमाने में आसानी हो। जो नीचे का साइज रखेंगे वो 3 इंच का साइज रखेंगे। हम सभी हैंडल का सेंटर करने के बाद गुटके पे उसको हम पॉलीफिक्स इंस्टेंट ग्लू की मदद से चिपका देंगे। उसके बाद हम इसमें लगभग 1.5 इंच का जिप्सम स्क्रू लगाएंगे नीचे की साइड से। सभी गिरमाला की हमने हैंडल की सेटिंग कर दी है। अब हम अगला जो हमारा प्रोसीज है, आपका जो हैंडल लगा हुआ है जिसके ऊपर की मोटे ऊपर हैंडल पकड़ने की, इसको थोड़ा सा राउंड करेंगे और चारों साइड से में थोड़ा थोड़ा टेपर करेंगे वुड प्लेनर से। यहाँ पर हमारी सभी गिरमाला रेडी हो गई है। सिर्फ इस मार्क को एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने सभी जगह के इसके यानी कि टेपर राउंड सब कुछ लगा दिए। जो नीचे की साइड है उसमें आपको जो चारों साइड है इनमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर आप इनको राउंड करोगे इसका बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे क्या होगा, जो अगर आप इसकी नोक नहीं छेड़ते हैं, अगर राजमिस्त्री इससे चलाएगा तो ये मसाले की प्लास्टर की कटाई करेगा और गोल होने पे फिर ये कटाई नहीं करेगा आपका गुटका यानी कि गिरमाला। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मेरे पास एल्युमिनियम की फंटी है यानी कि 2 इंची और 1 इंच का साइज है। लंबाई इसकी 4 फिट है। इससे जो राजमिस्त्री होता है वो अपना प्लास्टर लेवल करने के लिए इस प्रकार जैसा कार्य करता है।
तो इसमें यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे ये किस प्रकार गैप बंद करते हैं। अक्सर करके क्या होता है, जैसे भी कारपेंटर भाई होते हैं, वे इसमें यहाँ पर गुल्ली ठोकते हैं और वो सिंदरी टाइट फंसा देते हैं ऊपर से, तो कील लगा देते हैं, या फिर फंसाने के बाद जो इसका ये मुंह होता है ये खुल जाता है, और खुलने पे जब आप प्लास्टर की सेटिंग करते हैं तो ये बीच की साइड काम नहीं करती, बस जो सिरे हैं ये गड्ढा घेरती है। तो मैं इसका आपको पूरा तरीका बताऊंगा, हम इसकी पैकिंग किस प्रकार करेंगे जिससे कि जो हमारा मुंह खुले बिना और अपने काम सही करें। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास 1 इंची, 2 इंची और 3 इंच की लंबाई के साइज के दो पीस हैं जो कि हम राइट और लेफ्ट लगाएंगे। इनका साइज इस प्रकार होना चाहिए कि ये बिल्कुल हवा की तरह अंदर जाने चाहिए, टाइट ना हो, आपको इसमें हथौड़ी का सहारा ना लेना पड़े। तो इसमें हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो हमारी लेंथ हैगी है, पहले हम इसके चिप साफ करेंगे। यहाँ पर हमने 2 mm के आसपास यानी कि डाउन किया है, इसकी हम फिनिशिंग करेंगे पॉलीफिस इंस्टेंट ग्लू की मदद से। इस तरह से हम अपनी लेंथ का मुंह बंद करते हैं। अगर आप कभी इस प्रकार मुंह बंद करना चाहेंगे, आप 2 से 3 बार ऊपर से आप इस तरह से पॉलीफिस इंस्टेंट ग्लू डाल सकते हैं और इसे वाटरप्रूफ बना सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको राजमिस्त्री के टूल्स के बारे में पूरी पूरी जानकारी दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।